हेलो एवरीवन, अब इस लेक्चर में मैं आप लोगों को वर्ड आर्ट को यूज करने का प्रोसेस बताऊंगा। तो उसको यूज करने का क्या तरीका है, सबसे पहले मैं एक ये जो हमारी लैंडन होटल्स की टाइटल स्लाइड है इसकी जो है डुप्लीकेट स्लाइड जनरेट करता हूँ। उसका तरीका आपको पता है, राइट क्लिक करके हमने डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक किया। अब एक कूल फीचर ये है कि मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड तो जनरेट कर दी, लेकिन मैं इसको जो है अपने पेज की बॉटम पे लेके जाना चाहता हूँ। सो हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम चीजों को अरेंज कर सकें या स्लाइड्स को अपने डिजायर के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकें। अब इसको अरेंज करने का तरीका क्या है कि आपने लेफ्ट क्लिक करना है और अपनी स्लाइड को डाउनवर्ड ड्रैग करते चले जाना है। आप देख रहे हैं सारी स्लाइड्स को वो ऊपर ड्रैग करता करता चला गया। अब मैं इसको अपने पेज के या अपनी फाइल के या डॉक्यूमेंट के एंड पे ले गया हूँ। अब यहाँ पे टॉप एंड पे आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, लैंडन होटल्स को रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैपअप, ठीक है। रैपअप मीन्स हमारा यहाँ पे जो है सारा जो कॉन्टेंट है वो समराइज हो रहा है, यानी कि अब कंप्लीट हो रही है हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हो रही है। अब आप लोगों के सामने रैपअप तो मैंने लिख दिया, आप लोगों को यहाँ पे ऊपर ड्रॉइंग टूल्स नजर आ रहे हैं और साथ फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वर्ड आर्ट स्टाइल्स आ चुके हैं। अब मैं इनमें से कोई भी वर्ड आर्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि सिंस ये मेरा थोड़ा सा है, इसको सिलेक्ट करने के लिए मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा थीम को मैच कर रहा है, मैंने इसको जो है ये कलर दे दिया और इस तरह के ये रैपअप आ गया। लेकिन आप खाली ये वाला क्या नाम है स्टाइलिंग दे सकते हैं, आप इसको डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं। इफेक्ट्स देने का तरीका क्या है, वर्ड स्टाइल्स के अंदर हम चलते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। आप यहाँ पे इसको शेडो देना चाहें तो मैं इसको शेडो दे देता हूँ, सिंपल लाइक दिस वन शेडो। अब आपने देखा इसके इर्द गिर्द एक बारीक सा शेडो आ रहा है, लेकिन इतना अपीयर नहीं हो रहा। सो लेट्स हम इसको थोड़ा सा कोई 3D रोटेशन देके देखते हैं। लाइक अगर आपके सामने मैं ये वाली 3D दूं तो आपके सामने कि हमारा रैपअप कैसे लेट गया है, दैट्स नॉट अ गुड इफेक्ट। तो हम कोई और इफेक्ट देख कर देखते हैं। मैं इसको ट्रांजिशन कोई सिंपल सी ये वाला ये देख के देखते हैं, दैट्स ये कुछ बेहतर है। इसको हम एक इफेक्ट अब देते हैं ट्रांसफॉर्म का। अब ये देखिए मैं इसको इस तरह करूंगा तो मेरा टेक्स्ट इस तरीके से बन जाएगा। तो लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई खास नहीं है यार, क्रीपी सी लग रही है। सो हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ नहीं, ये तो बहुत बुरी है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा हो जाएगा। सो हम लोग इसको सिंपल ही रखते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा ग्लो ऐड कर देते हैं सो दैट हमारा ये हो जाए। और इसको सॉरी ट्रांसफॉर्म इफेक्ट जो है मैं इसका चेंज कर देता हूँ, लेट्स नो ट्रांसफॉर्मेशन। और जो है टेक्स्ट आउटलाइन ना हम देना चाहे तो मैं इसको थोड़ी सी आउटलाइन दे देता हूँ, ये थोड़ी सी आउटलाइन होगी। तो इस तरीके से आप जो है अपने कंटेंट के अंदर रैपअप या सॉरी वर्ड आर्ट ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।